दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स जो कि आपने हो सकता है इससे पहले ना देखे हो, साथ ही कुछ ऐसे रोबोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा आपको बेचैन कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि इस 10 गैजेट की सीरीज में होने वाले हैं ऐसे बड़े कमाल के गैजेट जो कि एक से बढ़कर एक रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आखिरी में होने वाला है एक ऐसा कमाल का गैजेट जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अचंभा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने गैजेट नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, सर्वो 9 मिनी टेलीफोन। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारे ऐसे मोबाइल फोन्स देखे होंगे जिनका आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब मैं बात करूं एक ऐसे मोबाइल फोन की जो कि आपके ब्लूटूथ के साइज का हो तो शायद आपको ये सुनकर थोड़ा सा अचंभा हो। लेकिन दोस्तों ऐसे भी मोबाइल फोन आ चुके हैं मार्केट में जो कि साइज में इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप उस पूरे मोबाइल फोन को एज अ ब्लूटूथ इस्तेमाल कर पाएंगे। वही दोस्तों इस छोटे से ब्लूटूथ में आपको पूरा कीपैड दे रखा होता है जहां पर आप नंबर डायल कर सकते हैं, वही मेमोरी कार्ड और सिम लगाने के भी ऑप्शन इस छोटे से गैजेट में आपको मिलेंगे। आप इसे पूरी तरीके से कान में लगा सकते हैं और जैसे ही कोई कॉल आए तो फटाफट इसे रिसीव करके इसका आंसर दे पाएंगे। ये गैजेट बेहद कमाल का हो जाता है क्योंकि साइज में छोटा होने के साथ साथ ये आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल करता है एक मोबाइल फोन होने की। तो आपको ये गैजेट कैसा लगा है ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रिच पिलो। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ट्रैवल करते समय ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी तरीके से पूरी नहीं होती है जिसकी वजह से आपको थकान का सामना करना पड़ता है पूरे दिन भर। लेकिन ये गैजेट इस काम में आपकी मदद कर सकता है जिससे कि आप ट्रैवल करते समय भी आराम से सो पाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसी पिलो होती है जिसे कि आपको अपने फेस के चारों तरफ लगाना होगा और आराम से आप इसमें नींद का मजा ले सकते हैं किसी भी जगह पर। ये पूरी तरीके से आपके फेस को कवर कर देता है जिससे कि बाहर की लाइट आपकी आंखों पर नहीं पड़ती है और आप आराम कर सकते हैं ट्रेन वगैरह, बस वगैरह या फिर फ्लाइट वगैरह में भी। तो इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का हो जाता है। लेकिन दोस्तों यही नहीं, ये आपकी वेयरिंग एक्सेसरीज का हिस्सा भी बन जाता है क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस गैजेट को अपने कंधे में डालकर तो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है देखने में। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट आप इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके फेस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है लेकिन देखने में बहुत ज्यादा अतरंगी लगेगा ये आपको वाकई। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 8, एर्गो ड्रमी वॉशिंग मशीन। दोस्तों अगर आप अपने घर से अलग रहते हैं यानी कि कहीं पर जॉब करते हैं वहां पर रहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को अपने कपड़ों को धुलने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के लिए आप वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना चाहते क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है और कहीं ना कहीं आपको बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये गैजेट इन सब का सोल्यूशन होता है क्योंकि ये साइज में भी छोटा होता है, इसमें आपको किसी भी तरीके की बिजली वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी और आप आसानी से अपने कपड़ों को धुल पाएंगे। दोस्तों एक बकेट जैसा दिखने वाला इस गैजेट में एक छोटा सा ड्रम होता है जहां पर आप अपने कपड़ों को डाल देते हैं और इसके बाद आप अपने पैरों से इसके पैडल को मूव करा सकते हैं जिससे कि आपके कपड़े धुलना शुरू हो जाते हैं और एक लिमिटेड टाइम बाद आप जब अपने कपड़ों को इससे निकालेंगे तो आपके कपड़े एकदम साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बड़ा ही मजेदार रहता है जो कि ना सिर्फ आपके कपड़ों को धुलता है वहीं दोस्तों ये आपके पैरों की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा देगा। नंबर 7, मुई। दोस्तों आजकल बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस और अप्लायंसेस आ गए हैं जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलिंग हब की जरूरत पड़ती है। तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जिससे कि आप अपने पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे, फिर चाहे बात हो स्मार्ट अप्लायंसेस वगैरह की या फिर किसी भी चीज की। दोस्तों इसमें आपको और भी ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये एक देखने में लकड़ी का छोटा सा पैड लगता है जिसे कि आप अपनी दीवार पर इंस्टॉल कर देते हैं तो ये किसी शोपीस से कम नजर नहीं आएगा। वहीं दोस्तों इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले होती है जो कि देखने में बिल्कुल भी डिस्प्ले जैसी नहीं लगती। इसमें छोटी छोटी एलईडी लाइट्स होती है जिससे कि ये डिस्प्ले बनती है जाकर। वहीं दोस्तों ये देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता ही है, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे आप किसी से भी कम्युनिकेट करने में। वहीं दोस्तों इसमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगी होती है जिससे कि आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। वहीं म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल करने में भी ये गैजेट आपकी मदद करता है। इससे आप अपने रूम का टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर सकते हैं जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहता है और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन कंट्रोल पैनल रहता है जिससे कि आप अपने घर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और वहीं दोस्तों ये एक बेहतरीन कम्युनिकेशन डिवाइस भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है ये डिवाइस आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 6, नीज ब्लेड्स। दोस्तों अगर आपका काम सिविल वर्क से जुड़ा है तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि अगर आप एक जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं और दूसरी जगह पर आपको जाना है तो आपको अच्छा खासा उठना पड़ेगा जिसके बाद आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फ्लैट सरफेस हो और अगर आप उस पर ड्रैग कर जाना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों इसे आपको घुटनों पर पहनना होगा जहां पर छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं जो कि आसानी से ड्रैग करने में आपको मदद करेंगे। वहीं दोस्तों ये आपके काम करने के तरीकों में भी बदलाव ला सकता है क्योंकि इससे आप बार बार उठने बैठने तो बच ही जाएंगे। वहीं दोस्तों ये आपकी समय की भी बचत करता है कुछ हद तक। तो मुझे तो ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो आप भी इसके बारे में हमें बता सकते हैं कि आपको ये गैजेट कैसा लगा।
नंबर 5 वाटर मैट। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारी मैटिंग्स देखी होंगी, लेकिन उनमें से सबसे कमाल का रहता है ये गैजेट, क्योंकि इस मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पानी के ऊपर भी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पानी के ऊपर कैंप लगाना या फिर कुछ भी चाहते हैं पानी में मजे करना, तो इस मैट का इस्तेमाल करके आप बीच पानी में भी आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये पानी में नहीं डूबती। वहीं दोस्तों इसमें आपके साथ साथ आप पूरी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, जिससे कि इसमें 4 से 5 लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं और साथ ही आप अपनी कैंपिंग वगैरह का सामान भी इस मैट में रख पाएंगे। तो हो जाता है इस तरीके से ये एकदम कमाल का गैजेट, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप पिकनिक वगैरह में। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे परचेज करना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 4 गैलरेडो बीकर प्रो। दोस्तों अगर आप स्विमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा असरदार साबित होगा। दरअसल ऐसा होता है कि हमें स्विमिंग करते समय एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि हमारे टाइमिंग को अच्छी तरीके से देख सके और गाइड कर सके कि अब हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मली तो कोच होते हैं जो कि टाइमिंग्स वगैरह को एकदम अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर आप काम ये खुद ब खुद करना चाहें तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करता है। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रैकर होता है जो कि आपकी पूरी स्विमिंग को एकदम रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर ये आपके स्ट्रोक्स भी काउंट करता है और साथ ही साथ एक एक सेकंड का हिसाब किताब रखेगा आपकी स्विमिंग का, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से देख पाएं। लेकिन दोस्तों इसमें एडिशनली म्यूजिक लिसनिंग के भी फीचर दे रखे होते हैं, जो कि बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको प्रोवाइड कराता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप स्विमिंग करते समय ही म्यूजिक का मजा ले सकते हैं, जो कि बड़ा ही कमाल का हो जाता है। तो अगर आप भी स्विमिंग वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 3 क्लिकबॉट। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारे ऐसे रोबोट्स देखे होंगे जो कि अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरा रोबोट अलग अलग पार्ट्स में आता है, जिसे कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे। इस रोबोट में आपको बहुत सारी स्किल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। वही इसमें आपको प्रोग्रामिंग के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इस रोबोट को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जिससे कि ये आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है और आपके मूवमेंट के हिसाब से ही आपको रिएक्शंस वगैरह देता है, जो कि खेलने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा मजेदार और फनी होता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप टाइम पास करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसे परचेज करना, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 2 कोस नेक मसाजर। दोस्तों अगर आप भी एक ही चेयर पर बैठकर घंटों काम करते रहते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी गर्दन में भी हल्का हल्का पेन होने लगता है। हम शुरुआत में इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन बाद में यही सब चीजें चलकर आगे जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नेक में ऐसा कोई पेन ना हो, तो आपको रेगुलर मसाज लेना होगा इसके लिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हम रोज रोज मसाज लेने कहां जाएंगे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों वैसे तो देखने में ये एकदम हेडफोन जैसा वाला गैजेट होता है, जिसे कि बस आपको अपने गले में टांगना होगा, जिसके बाद ये आपकी गर्दन की ऑटोमेटिक मसाज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स फील कराएगी आपको। तो इस तरीके से आप घर पे बैठे ही अपने ऑफिस वगैरह में भी इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर ये आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील कराता है आपकी गर्दन के पेन में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा गर्दन में पेन होता है कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते समय, तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ गई है वो घड़ी, जिसका आप सभी को तब बेसब्री से इंतजार, यानी कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस लिस्ट के एकदम टॉप गैजेट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं हमसे लगातार जुड़े रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट का बादशाह। नंबर 1 पिटिट क्यूबो। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारे गैजेट्स देखे होंगे एक से बढ़कर एक, लेकिन दोस्तों ये गैजेट हो सकता है टेक्नोलॉजी में आपको उतना एडवांस ना लगे, लेकिन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा सा एडवांस रहता है। दोस्तों अगर आप पेट्स रखना पसंद करते हैं, तो ये कुछ कुछ वैसा ही रहता है, जो कि आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा टच करने में। लेकिन दोस्तों ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो कि काफी ज्यादा सेंसेशंस को भी शो करती है, यानी कि अगर आप इसके सामने तेजी से बात करेंगे तो ये उसी हिसाब से अपनी टेल को मूव कराता है। वहीं दोस्तों सुबह अलार्म बजने के समय भी ये आपके साथ ही उठ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे एक तरीके का मैकेनिकल पेट कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा कुशन होता है जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एज अ पिलो भी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये गैजेट बड़ा ही कमाल का हो जाता है। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर दिखाए गए किसी भी गैजेट को आप परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।